हेलो एवरीवन। और देखिए दोस्तों, आज आपके फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट की ऑनलाइन क्लासेस का शेड्यूल यहाँ पे आ चुका है। आप ऑनलाइन भी क्लासेस अपना ले सकते हैं। अभी तक आप ऑफलाइन सेंटर पे जाके अपना क्लासेस अटेंड कर रहे थे, लेकिन अब आप ऑनलाइन भी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन चेक करने के लिए आपको SLUD की वेबसाइट पर जाना है। देखिए टॉप पे ही आपको उसमें जाता है क्लिक हियर टू ज्वाइन लॉगिन ऑनलाइन क्लासेस, ये आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो इसमें हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने जो यहाँ पे 5 अक्टूबर से जो हमारी क्लासेस होने स्टार्ट होने वाली है फर्स्ट सेमेस्टर की, उसके यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो कैसे आपको इन क्लासेस को ज्वाइन करना है और कैसे आपको चेक करना है कि आपका कोर्स सब्जेक्ट कौन सा है, आपको कौन सी क्लास लेनी है, किस टाइम से लेनी है, उससे जुड़ी हुई A to Z जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, SLUD की मेन वेबसाइट पे आपको टॉप पे ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जो कि रहेगा क्लिक हियर टू ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस। इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं, देखिए हम वहाँ पे उस पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आप ऑनलाइन क्लासेस की आपको डिटेल मिल जाएगी। अगर आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा तो आप स्क्रॉल करके आ जाएंगे PCP क्लासेस या फिर ऑनलाइन क्लासेस ऑप्शन में क्लिक कर लीजिएगा। डायरेक्ट आप उसी पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लास का शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। तो अभी देखिए 4 अक्टूबर जो कि आज है हमारा, उसकी ऑनलाइन क्लासेस का शेड्यूल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और कल है हमारा 5 अक्टूबर, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, जो 20-25 सेशन के, उनके यहाँ पे क्लासेस का शेड्यूल देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है कोर्स का नेम AECCC। AECCC का मतलब देखिए होता क्या है वो आप समझ लीजिए, एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स, जो कि सभी कोर्सेज के लिए कंपलसरी होते हैं, वो कोर्सेज आपके यहाँ पे मेंशन रहेगा AEC का। इसके बाद देखिए आपको बात करते हैं अगला नेक्स्ट कोर्स के नेम की, जो कि है SEC, जिसकी फुल फॉर्म रहती है आपकी देखिए स्किल एनहांसमेंट कोर्स। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट हमारा कोर्स का नेम मेंशन रहता है वो है VAC, वो है हमारी इसकी फुल फॉर्म है आपकी वैल्यू एडिशन कोर्स। तो आपके इन कोर्स की डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसमें देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की, इसमें हमारा एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर ईयर मेंशन रहेगा आपके यहाँ पे, साथ में सब्जेक्ट का नेम मेंशन रहेगा जो कि शो कर रहा है हमारा इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 1 यूनिट 1 का कल को हमारा क्लासेस है यहाँ पे। इसमें देखिए मीडियम मेंशन है, साथ में आप हिंदी मीडियम से आपने अपना फॉर्म फिल किया था, इंग्लिश मीडियम में आपको स्टडी करनी है, वो यहाँ पे डिटेल मेंशन है। तो यहाँ पे देखिए हमारे 2 सब्जेक्ट मेंशन है जो कि सेम सब्जेक्ट है, इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी प्रैक्टिस 1 यूनिट 1, जो कि बस मीडियम हमारा चेंज है यहाँ पे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम की क्लासेस हमारी सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में होने वाली है और हिंदी मीडियम की क्लासेस आपकी 10 से 11 बजे के बीच में होने वाली है। टीचर का नेम मेंशन रहेगा कौन टीचर यहाँ पे इस क्लासेस को ले रहा है, और ऑप्शन मिलेगा लॉगिन टू ज्वाइन। लॉगिन टू ज्वाइन ऑप्शन क्लिक करके आपको इस क्लासेस को ज्वाइन करना है। अब देखिए ज्वाइन करने से पहले मैं कुछ और डिटेल बता देता हूँ आपको। इसमें सेम तरीके से आपको चेक करना है, आप कैसे पता करना है कि किस स्टूडेंट का यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट्स है और किस क्लासेस का टाइम क्या इसको लेना है, वो यहाँ पे कैसे मेंशन करेगा। आप देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको चेक कर लेना है आपका सेमेस्टर क्या है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर की डिटेल मेंशन रहेगी। तो आपको सबसे पहले अपना सेमेस्टर देख लेना है। सेमेस्टर देखने के बाद आपको सब्जेक्ट चेक करना है। अब आपको ऐसा लगेगा कि सब्जेक्ट आपका है नहीं है, तो इस केस में देखिए अगर आप SOL की UG की एडमिशन की वेबसाइट पर लॉगिन करके आप आ जाते हैं, जहाँ से आपने एडमिशन फॉर्म फिल किया था, लॉगिन करने के बाद आपके सामने डिटेल्स हो जाएगी। तो प्रिंट पेमेंट एक्नॉलेजमेंट स्लिप के अंदर आपको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने आपकी जो पेमेंट स्लिप है आपके सामने शो हो जाएगी। इसके अंदर देखिए आपके कोर्स ऑफर्ड मेंशन रहेंगे, जो कोर्स आपके नेम है जो आपने सेलेक्ट किए थे वो कोर्स की डिटेल मेंशन रहेगी। तो आपको यहाँ पे अपने सेमेस्टर 1 के जो कोर्स के डिटेल है, सब्जेक्ट के नेम आपको पता होने चाहिए, वही आपको यहाँ पे चेक करने हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है यहाँ पे वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपका सब्जेक्ट जो यहाँ पे शो कर रहा है, वैसे वो शो कर रहा है हमारा यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इन प्रैक्टिस यूनिट 1, अगर आपके सब्जेक्ट के अंदर भी आपको ये शो कर रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है, यानी आपकी जो क्लासेस है कल सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगी, अगर आप इंग्लिश मीडियम से आप स्टडी कर रहे हैं तो। अगर हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं तो आपको 10 बजे आपको स्टार्ट करनी है, सेम टाइम पे ही आपकी दोनों क्लासेस होने वाली है, इंग्लिश क्लासेस और हिंदी क्लासेस। बस दोनों का लॉगिन टू ज्वाइन क्लिक जो लॉगिन है उसका वो अलग अलग है, क्योंकि टीचर यहाँ पे अलग अलग है दोनों के। अब यहाँ पे देखिए एक बात क्लियर कर देता हूँ, आपको सब्जेक्ट पता होने चाहिए। होते जब स्टूडेंट होते हैं अपना सब्जेक्ट पता नहीं होते, और प्रिंट पेमेंट एक्नॉलेजमेंट स्लिप पे हम क्लिक करके वो चेक करते हैं कि भाई उसका सब्जेक्ट क्या है, तो वो पेज थोड़ा एरर देता है। तो ये आपकी को इस केस में करना क्या है, आपको आ जाना है SOL2 के देखिए प्रोस्पेक्टस पे, UG प्रोस्पेक्टस पे, उस पर आपको चेक कर लेना है कि आपका सब्जेक्ट किस कोर्स के अंदर
कौन कौन से सब्जेक्ट्स मेंशन है वो सब्जेक्ट आप चेक कर सकते हैं। मेनली आपके यहाँ पे आपके पास पेमेंट स्लिप होगी, उसके अंदर आपके सब्जेक्ट्स मेंशन होंगे, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी सिर्फ पेमेंट जो स्लिप आपके पास है उसको प्रिंट आउट आपके पास है, उसमें आपके सब्जेक्ट मेंशन होंगे, या फिर जो आपको स्टडी मटेरियल रिसीव हुआ है, जो कि स्टडी मटेरियल आपको ऑलरेडी रिसीव हो चुका होगा, आप अगर आपने अभी तक रिसीव नहीं किया है तो अपॉइंटमेंट बुक करके अपना स्टडी मटेरियल आप रिसीव कर लीजिएगा। तो स्टडी मटेरियल आपने रिसीव कर लिया है तो काफ़ी अच्छी वजह बात है, आपके सब्जेक्ट्स आपको पता होंगे कौन सब्जेक्ट आपके हैं कौन से नहीं हैं। तो आप सबको यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने सब्जेक्ट्स पता होने चाहिए, कौन सब्जेक्ट आप फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर पढ़ रहे हैं। तो सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स पता होने के बाद उसके बाद चेक करना है कि जो आपकी जो क्लासेस है यहाँ पे करंट क्लासेस, वो आपके सब्जेक्ट्स की है या नहीं है। सब्जेक्ट्स की करंट क्लासेस पता होने के बाद ही आपको क्लासेस को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 10 बजे से ही हमारी क्लासेस स्टार्ट है। इसमें देखिए इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी प्रैक्टिस इंटू प्रैक्टिस सेकेंड यूनिट 1 की यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। सेम तरीके से आपको फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के स्किल एडजस्टमेंट कोर्स मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए फिफ्थ सेमेस्टर के भी कोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, सब्जेक्ट के नेम मेंशन मिल जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर के। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर जो हमारी क्लासेस होने वाली है 5 अक्टूबर को, वो किस किस सब्जेक्ट्स की होने वाली है वो चेक कर लीजिएगा। इसके बाद 6 अक्टूबर को हमारी क्लासेस होगी जो कि PGDLMA की होगी। 7 अक्टूबर को भी हमारी PGDLM की क्लासेस फर्स्ट सेमेस्टर की होने वाली है। इसके बाद देखिए 19 अक्टूबर को हमारी क्लासेस होगी जो कि हमारी फर्स्ट सेमेस्टर क्लासेस होगी, थर्ड सेमेस्टर क्लासेस होगी और फिर फर्स्ट और फिफ्थ सेमेस्टर क्लासेस आपको देखने को मिल जाएगी 19 अक्टूबर को। इसके बाद देखिए 26 अक्टूबर को आपकी क्लासेस होगी जो कि सैटरडे को ही आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती है, क्योंकि जो यूजी क्लासेस होती है हमारी वो ओनली हमारी सैटरडे को ही होती है ऑफलाइन, तो आप ऑनलाइन भी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्लासेस की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको किस सेमेस्टर की किस सब्जेक्ट की क्लासेस है 26 अक्टूबर को, वो आप चेक कर सकते हैं। स्क्रॉल करते हैं सेम तरीके से, देखिए हमें 2 नवंबर को भी हमारी क्लासेस होने वाली है यूजी सेमेस्टर 1 थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की, सेम तरीके से आप चेक कर सकते हैं 9 नवंबर को भी हमारी क्लासेस होने वाली है फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर की। स्क्रॉल करते हैं देखिए अभी यहाँ पे 9 नवंबर तक का यहाँ पे डिटेल हमारा आ चुका है, जो क्लासेस शेड्यूल ऑनलाइन की उसी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब आपको कैसे लॉगिन करना है उसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर कर देता हूँ। लॉगिन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो टाइम रहेगा आपका इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इन प्रैक्टिस यूनिट 1 का, मान ली इंग्लिश का क्लासेस अटेंड कर रहे हैं यहाँ पे, हिंदी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसके सामने ऑप्शन मिलता है आपको लॉगिन टू ज्वाइन, इस ऑप्शन में क्लिक करना है। बात करते हैं यहाँ पे अगर मोबाइल से क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो सेम आपको इसी पेज पे आना है और लॉगिन टू ज्वाइन का ऑप्शन क्लिक करना है। अगर आपने कंप्यूटर या लैपटॉप से ज्वाइन कर रहे हैं तो सिंपल आपको लॉगिन टू ज्वाइन का ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आपके सामने ज्वाइन टू योर टीम मीटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी आपको अगर आप मोबाइल से आप यहाँ पे क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं तो इस केस में आपको अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर से माइक्रोसॉफ्ट की ऐप को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद आपको क्लासेस को ज्वाइन करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट की ऐप्स को इंस्टॉल करने के बाद आपको वहाँ पे साइन इन कर लेना है, साइन इन कीजिएगा या फिर आप डायरेक्ट भी लॉगिन कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंपल आपको क्लासेस शेड्यूल पे आना है, जिस क्लासेस को आप अटेंड करना चाहते हैं सिर्फ उसके सामने आपको लॉगिन टू ज्वाइन का ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते अगर आप मोबाइल के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट के पेज पे आ जाएंगे, ऐप पे आ जाएंगे। अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप में ज्वाइन कर रहे हैं तो सिंपल आपको शो करेगा ज्वाइन योर टीम मीटिंग, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू ऑन दिस ब्राउजर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएगी, उनको आप अलाउ कर लीजिएगा और अपनी ऑडियो वीडियो को कंटिन्यू उसको अलाउ करने के बाद आप सीधा अपना टाइप कीजिएगा, जो आपका नेम है वो आप टाइप कर लीजिएगा। नेम टाइप करने के बाद आपको करना क्या है वही मैं बताता हूँ यहाँ पे। नेम टाइप करने के बाद आपको जो आपकी ऑडियो वीडियो सेटअप है आपको कर लीजिए अपने हिसाब से। तो अभी मैंने यहाँ पे ऑडियो वीडियो सेटअप नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कैसे आपको ज्वाइन करना है। और सिंपल आपको सारे सेटअप करने के बाद अपना ज्वाइन नाउ का ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो आपकी क्लासेस है वो ज्वाइन हो जाएगी। देखिए कितने सारे स्टूडेंट अभी हमारे ऑनलाइन है यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, तो इतने स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं, लेकिन जो क्लासेस होने वाली है हमारी ये होने वाली है 10 बजे से हमारी स्टार्ट होगी, यानी कल 5 अक्टूबर को 10 बजे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो सिंपल आपको लॉगिन कर लेना है। तो बहुत से स्टूडेंट हमारे यहाँ पे मोबाइल से ज्वाइन किए हुए हैं, बहुत से हो सकते हैं वेब ब्राउजर से यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं। तो यहाँ पे आपको चैट का ऑप्शन मिल जाएगा, कितने पीपल ऐड हुए हैं इस क्लासेस के अंदर वो मेंशन होएगा। कोई क्वेश्चन आपको यहाँ पे रेज करना है तो आपको यहाँ पे रेज हैंड उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आप उस क्वेश्चन के बारे में आप यहाँ पे उसको पूछ सकते हैं कि आपको कोई डाउट आ रहा है तो रेज हैंड उसमें क्लिक करके आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रिएक्ट कर सकते हैं, व्यू का ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, यानी चेंज व्यू के ऑप्शन पे आप स्पीकर टुगेदर मोड का सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, वो आप चेंज कर सकते हैं। मोर ऑप्शन के अंदर काफी ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे, जिसमें मीटिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वीडियो इफेक्ट सेटिंग चेंज कर सकते हैं, ऑडियो सेटिंग चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज स्पीच के ऑप्शन मिल जाता है, सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, तो काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से अपनी सेटिंग कर लीजिएगा।
और अपनी क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो पहली जो क्लासेस होने वाली है सेमेस्टर वन की, वो होने वाली है एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस यूनिट वन, जो कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों क्लासेस 10 बजे से स्टार्ट होगी। सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट टीचर हमारे क्लासेस को लेंगे और आपको लॉग इन टू ज्वाइन का ऑप्शन क्लिक करके ही क्लासेस को ज्वाइन करना है। डायरेक्ट आप ज्वाइन नहीं कीजिएगा, सिर्फ लॉग इन टू ज्वाइन का ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप क्लासेस के ऑप्शन पर जाएंगे, जहाँ पे आपको कंटिन्यू ऑन ब्राउजर का ऑप्शन क्लिक करके आप क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप मोबाइल से ज्वाइन कर रहे हैं तो पहले आप माइक्रोसॉफ्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद लॉग इन टू ज्वाइन का ऑप्शन क्लिक करके आप अपनी जो क्लासेस को वो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको अपनी कुछ सेटिंग चेंज करनी है, सेटिंग चेंज करने के बाद आप क्लासेस के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो सुबह 10 बजे से हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो रेडी हो जाइए, आपकी ऑनलाइन क्लासेस कल से स्टार्ट हो जाएगी। और कब तक क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, किस डेट तक क्लासेस यहाँ पे होने वाली है, यहाँ पे हमारे को नवंबर तक का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है, किसी कोर्सेज की किसी सब्जेक्ट्स की यहाँ पे क्लासेस होने वाली है। तो आइए दोस्तों, क्लियर हो गया होगा कैसे आपको यहाँ पे चेक करना है कि किस सब्जेक्ट की क्लासेस किस टाइम है और वो आपका सब्जेक्ट है या नहीं है, और कैसे आपको क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, उसकी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर शेयर कर दी है। थैंक यू।